Hello students, in this particular video we'll study chapter number 16 of class 11 biology syllabus, that is digestion and absorption. And in this video we'll study the introduction and structure of the alimentary canal. In my video I have covered word to word explanation of the ncert book. So beginning jo hai unit ka, is unit ke beginning mein aapko reductionist approach ke baare mein thoda sa introduction aapko bataya gaya hai. To pehle aap samajhiye ki reductionist approach actually mein hai kya. Dekhiye is diagram ki help se dekhiye. Reductionist approach ka matlab hai jab kisi organism ko hum study karte hai usko bilkul सिंपल लेवल पर, जैसे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है और उस सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज उसमें कौन कौन सी हैं, किस तरह से जीनोमिक्स वर्क कर रहा है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों को जब स्टडी किया जाता है बिल्कुल सेल बिल्कुल सिंपल लेवल पर, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच. एक दूसरा टर्म है होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं एज अ होल और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज होलिस्टिक अप्रोच. एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. होलिस्टिक अप्रोच इज अ वे टू एनालाइज ऑल कॉम्पोनेंट्स एंड इंटरेक्शंस विद इन एंड अमंग ऑर्गेनिजम्स अनलाइक द रिडक्शनिस्ट अप्रोच. इसका मतलब सभी कॉम्पोनेंट्स को और इंटरैक्शन को स्टडी किया जाता है. लेकिन रिडक्शनिस्ट अप्रोच में इट इज़ एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग बाय रिड्यूसिंग टू अ सिंपल लेवल. जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझते हैं और समझने के लिए उसको हम सिंपल लेवल से समझना शुरू करते हैं, दैट इज द रिडक्शनिस्ट अप्रोच. ओके, उसके बाद चैप्टर में आपको एल्फेंसो कोटाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है. एल्फेंसो कोटाई वॉज द इटालियन एनाटोमिस्ट. एनाटोमिस्ट वर्ड कम्स फ्रॉम एनाटोमी एंड एनाटोमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. ही वॉज बॉर्न इन 1822 एंड ही डाइड इन 1888. उन्होंने जो स्टडी की थी, अपने करियर की शुरुआत की थी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टडी किया था रेप्टाइल्स का उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम पे स्टडी किया. 1851 में उन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर और उस पेपर में उन्होंने बताया था कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है कॉकलिया की, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज़ द कॉकलिया जो कि इन ईयर का पार्ट है. कॉकलिया का ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है. कॉकलिया में ये बेसिलर मेम्ब्रेन है. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई लोकेटेड है और ये क्या करता है कि साउंड की जो वाइब्रेशंस होती है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है और ये नर्व इम्पल्स जो है ये फिर ब्रेन के पास ट्रैवल करके जाती हैं. तो उन्होंने इस चीज़ को बताया था, डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इस ऑर्गन को हम ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं. In 1851, he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea containing hair cells that convert sound vibrations into nerve impulses. And that organ is called as the organ of Kottai. ठीक है, अब देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हम डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट्स का डाइजेशन कैसे होता है ये हम पढ़ लेंगे. पूरा एलिमेंट्री कनाल का क्या स्ट्रक्चर है, दैट वी विल स्टडी. और एसोसिएटेड एलिमेंट्री कनाल से एसोसिएटेड कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और चैप्टर के एंड में फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. फूड जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है. फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स और मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए. जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है. मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. अब देखो, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसके अंदर जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं,
कौन से बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये जिसकी हमने अभी बात की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। तो ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी में एज इट इज़ अब्जॉर्ब नहीं होते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, बल्कि इनको इनका ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है जिससे कि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और इसी ब्रेक डाउन को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डाइजेशन की। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई आर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इन टू सिंपल सब्सटेंसेज इन देयर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज टू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जो प्रोसेस है जिसपे कन्वर्शन होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज का इंटू सिंपल सब्सटेंसेज जो कि अब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो, जो कि ईजिली अब्जॉर्ब हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और ये कौन करता है डाइजेशन का प्रोसेस? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और कैसे करता है? मैकेनिकल मीन्स से और बायोकेमिकल मीन्स से। मैकेनिकल मीन्स का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन, जैसे कि टीथ के द्वारा, ओके, या चर्निंग प्रोसेस के द्वारा, स्टमक के अंदर मूवमेंट्स जो होती हैं उसके द्वारा। और बायोकेमिकल मीन्स का मतलब होता है एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम देखिए। इसमें आप सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ, व्हेन वी टेक इन द फूड वी टेक इट थ्रू माउथ, और माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन माउथ के अंदर आता है, दैट वी कॉल एज सलाइवा। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम है सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड्स। ये जो आपको ये नेम्स जो आपको ये दिए हुए हैं, ये दोनों प्लस ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिन जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा, और सलाइवा हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वी जब हम फूड लेते हैं वी टेक इट इन आर माउथ वी च्यू विद द हेल्प ऑफ आर टीथ, और फिर टंग जो होती है वो फूड के मिक्सिंग में, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, प्लस एनगल्फ करने में हेल्प करती है। और ये जो मुंह के अंदर जो माउथ के अंदर जो ये कैविटी होती है दैट कैविटी इज कॉल्ड एज दी ओरल कैविटी। ओके, अब आगे देखते हैं फूड फिर माउथ के बाद कहाँ जाता है? ये जाता है फैरिंग्स रीजन में। फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस में, दिस ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड पाइप। देन द फूड एंटर्स इन टू द स्टमक, फूड अब स्टमक के अंदर एंटर करता है ईसोफेगस से, और फिर उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट शो किया हुआ है, दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देन द फूड कहाँ जाएगा? इट वुड ट्रैवल इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम, और फिर एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसमें बाकी लेबलिंग हम भी हम देख लेते हैं। दिस इज स्टमक वी हैव सीन। अच्छा, दिस पार्ट इज द लिवर। ये वाला पूरा जो ये पार्ट आपको शो किया हुआ है, दिस इज द लिवर। ये गॉल ब्लैडर है, दिस स्मॉल पार्ट इज द गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? लिवर का जो सिक्रीशन होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद ये जो आपको पार्ट दिखाए गए हैं, ड्यूओडेनम, इलियम, ठीक है, ये आप कोलन, ड्यूओडेनम, इलियम, जेजुनम, और ये सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये सारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टमक के नीचे ये वाला जो आपको ग्लैंड नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पैनक्रियास। ओके, नाउ वी कंटिन्यू विद द थ्योरी पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी थ्योरी में कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो पूरा जो हमने ये कैनाल अभी देखी है माउथ से लेके एनस तक, इस पूरी कैनाल को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल से, और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लिवर, तो ये सब मिलके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। फिर देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो है ये स्टार्टिंग होती है इसकी माउथ से, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। सो एंटीरियर ओपनिंग जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, इट इज़ माउथ, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो होती है एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल की दोनों ओपनिंग्स के बारे में बताया गया है।
द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी. जब हम अपना मुंह व्हेन वी ओपन आर माउथ तो हमारी जो कैविटी होती है माउथ के अंदर जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टीथ होते हैं और टंग होते हैं. टीथ, हमारे जो टीथ हैं वो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं. सपोज दिस इज द सॉकेट ऑफ द टीथ एंड द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट लाइक दिस. तो इस तरह के जो टीथ हैं जो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो टीथ हैं जो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जॉ की बोन के, तो इस तरह का जो अटैचमेंट होता है उसको हम कहते हैं थीकोडोंट. ठीक है, थीका मीन्स कैविटी एंड डोंट वर्ड कम्स फ्रॉम टीथ. तो हमारे जो टीथ हैं वो किस तरह के हैं, हमारे टीथ हैं थीकोडोंट. इसको इस डायग्राम की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं. ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें थीकोडोंट टीथ दिखाया गया है जिसमें यहाँ पर कैविटी है, इस कैविटी के अंदर टूथ एम्बेडेड रहता है. सो दीज काइंड ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज थीकोडोंट टीथ. ये प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट टीथ से कंपेयर करके देखिए, इसमें इन दोनों में ये कैविटी प्रेजेंट नहीं है बल्कि थीकोडोंट में टूथ जो है हमारा वो कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. अब हम आगे दूसरा टर्म देखते हैं. हमारे जो टीथ हैं वो डायफायोडोंट होते हैं. अभी हमने देखा कि हमारे टीथ थीकोडोंट है, दूसरी चीज़ है कि हमारे टीथ जो है वो डायफायोडोंट है. डायफायोडोंट का मतलब होता है कि हमारी लाइफ टाइम में पहले मिल्क टीथ आते हैं. ठीक है, ये छोटे बेबी का ये माउथ के अंदर ये मिल्क टीथ दिखाए गए हैं. मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं फिर उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं. Majority of mammals including human beings forms two sets of teeth during their lifetime, a set of temporary milk or deciduous teeth. मतलब जो temporary teeth आते हैं पहले, जिनको हम deciduous teeth भी कहते हैं, फिर वो replace हो जाते हैं और बाद में फिर permanent या फिर adult teeth present होते हैं. So इस तरह का जो dentition है उसको हम कहते हैं diaphyodont dentition. I hope these two terms are clear to you. टीथ के बारे से, हमारे टीथ से रिलेटेड ये दो टर्म्स हैं. अब आगे हम देखते हैं हमारे जो टीथ हैं वो हीट्रोडोंट. हमारा जो डेंटिशन है, डेंटिशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ टीथ. तो हमारे टीथ जो है वो हीट्रोडोंट होते हैं. हीट्रोडोंट मतलब हीट्रो वर्ड कम्स फ्रॉम डिफरेंट. तो डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं. सारे जो टीथ हैं हमारे सारे सिमिलर नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे कि इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. टोटल नंबर कितने होते हैं परमानेंट टीथ, 32. इंसिसर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला. और ह्यूमन बींग का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2123/2123. ये डेंटल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. डेंटल फार्मूला आपको ह्यूमन बींग का भी याद करना है, प्लस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए आपको दो तीन एनिमल्स का और याद करना होगा डेंटल फार्मूला. अब डेंटल फार्मूला का कैसे समझते हैं, 2123. टू फॉर इंसिजर, ओके, वन फॉर केनाइन, टू फॉर प्रीमोलर एंड थ्री फॉर मोलर. देखो ICPMNM, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर. उसी तरह से ये लिखे हुए हैं, इंसिजर टू, केनाइन वन, टू प्रीमोलर एंड थ्री मोलर. तो ये अपॉन 2123 अपॉन 2123 का मतलब है कि अपर जॉ के हाफ पार्ट में ये वाला अरेंजमेंट होता है और लोअर जॉ के हाफ पार्ट में ये वाला अरेंजमेंट होता है. सो दैट इज व्हाई द डेंटल फार्मूला इज 2123 अपॉन 2123. हमारे जो टीथ होते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड सरफेस जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, इनेमल का बना हुआ होता है. और हार्ड होने की वजह से वो फूड के मास्टिकेशन में या फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. अब हम देखते हैं टंग. टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स की बनी हुई होती है टंग, जो कि ओरल कैविटी से अटैच्ड होती है फ्रेन्युलम के द्वारा. मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेन्युलम. तो हमारी जो टंग है वो फ्रेन्युलम के द्वारा अटैच्ड होती है. अपर सरफेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बड्स. अब देखिए, ये टंग का अपर सरफेस है,
इसमें ये पैपिले प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम पैपिले कहते हैं, और इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब देखिए ओरल कैविटी जो हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी है, कैविटी आगे जाके कहाँ पर ओपन होगी, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। इस डायग्राम की हेल्प से आप समझिए, ओरल कैविटी ये माउथ, ओके ये ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी कहाँ ओपन हो रही है, फेरिंग्स में। ये जो पूरा जो ये आपको ये जो पार्ट शो किया हुआ है ये पूरा फेरिंग्स का पार्ट है। अब देखिए फेरिंग्स भी फर्दर डिवाइडेड होती है इनटू नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड हाइपो फेरिंग्स। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ये चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए ये नेजल कैविटी है, नोज नेजल कैविटी भी यही ओपन हो रही है फेरिंग्स में, और जो ओरल कैविटी है वो भी फेरिंग्स में ही ओपन हो रही है। इसीलिए बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। The esophagus and the trachea open into the pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during swallowing. अब देखिए common passage है food के लिए और air के लिए, common passage है ये pharynx। तो यहाँ पे epiglottis एक part होता है, ये epiglottis cover कर लेता है। देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज इपीग्लॉटिस, ये इपीग्लॉटिस एयर पाइप को कवर कर लेता है जब हम फूड खाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार और देख लेते हैं, इपीग्लॉटिस को। इपीग्लॉटिस जो है वो कवर कर लेता है, इपीग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटस बाय जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की, उसको कवर कर लेता है जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, इस वाले डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा डेंटल फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया। ये आप देखिए इंसिजर, दो इंसिजर, देखिए ये जॉ, और इस पूरे जॉ का सिर्फ हाफ पार्ट हम देख रहे हैं इस टाइम। हाफ पार्ट में दो इंसिजर्स हैं, 1-2, उसके बाद एक के नाइन है, दो प्रीमोलर्स हैं और तीन मोलर्स हैं, तो इसीलिए 2-1-2-3, तो 2-1-2-3 अपॉन 2-1-2-3। ठीक है, इस तरह से डेंटल फार्मूला होता है। आगे चलते हैं हम, ईसोफेगस जो है, अब फूड फेरिंग से कहाँ जाएगा, वो एंटर करेगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हमारे नेक, थॉरेक्स और डायफ्राम से एक्सटेंड करते हुए जाती है, उसके थ्रू पास होती है, और वो जाती है कहाँ एंटर करती है, स्टमक के अंदर। और स्टमक जो होता है वो एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ आप डायग्राम में देखिए ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या पार्ट है, ये ईसोफेगस है। अब देखिए स्फिंक्टर समझिए आप, स्फिंक्टर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जैसे कि सपोज एक बलून है, बलून के अंदर आपने वाटर भरा, वाटर भरने के बाद आपने उस पर एक रबर बैंड लगा दिया, रबर बैंड लगाने से क्या हुआ कि इसकी ओपनिंग जो है वो क्लोज हो गई। अगर आप उस रबर बैंड को लूज़ कर देंगे तो क्या होगा, वाटर इसके अंदर से बाहर निकल आएगा। तो उसी तरह से स्फिंक्टर जो है वो उस इसी रबर बैंड की तरह वर्क करता है। स्फिंक्टर क्या होगा, स्फिंक्टर अगर क्लोज होगा तो कोई भी चीज़ फूड यहाँ से यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा, और जब ओपन होगा तभी फूड एंटर कर पाएगा। ठीक है, तो स्फिंक्टर का फंक्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मस्कुलर स्फिंक्टर, मस्कुलर मसल्स का बना हुआ होता है स्फिंक्टर, और देखिए उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन गैस्ट्रो वर्ड कम्स फ्रॉम स्टमक, ईसोफेजियल वर्ड कम्स फ्रॉम ईसोफेगस। देखो ये ईसोफेगस है और ये स्टमक है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो वर्ड कम्स फ्रॉम स्टमक और ईसोफेजियल वर्ड कम्स फ्रॉम ईसोफेगस, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर।
तो मस्कुलर एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। मतलब कि स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर, जो ओपनिंग है, उसको रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्टर होता है, और उस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक जो है वो लोकेटेड होता है, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट पार्ट में, जो हमारा जो एब्डोमन है, एब्डोमन के लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। स्टमक के फोर पार्ट्स हैं, डायग्राम से आप समझिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखिए ईसोफेगस ओपन हो रहा है जे शेप्ड स्टमक में। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द फंडस, दिस इज द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक एंड दिस इज द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। स्टमक हैज फोर पार्ट्स, कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स। मतलब ईसोफेगस जिस पार्ट में ओपन होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। अ फंडिक रीजन, उसके बाद बॉडी, जो मेन जो सेंट्रल रीजन होती है दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी, और फोर्थ पार्ट जो होता है स्टमक का दैट इज द पाइलोरिक पोर्शन। और ये ओपन होता है, कहाँ ओपन होगा आप बताइए, ये जो स्टमक है कहाँ ओपन होगा? इट वुड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इट इज रिटन अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तीन रीजन्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी? ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसका मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, बुक में इसका डायग्राम नहीं है। ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। दिस पार्ट इज़ द ड्यूओडेनम, जो इमीजिएटली स्टमक के बाद जो पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज़ द ड्यूओडेनम। दिस पार्ट इज़ द जेजुनम, और जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज़ कॉल्ड एज द इलियम। अब एक चीज़ मैं आपको यहीं पर आपको बता देती हूँ, ये जो वर्ड है इलियम, इसकी स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी प्रोनंसिएशन से मिलती जुलती एक और स्पेलिंग है ILIUM, उसके बारे में आप पढ़ेंगे जब आप बोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऑफन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स, सी शेप ड्यूओडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज द इलियम। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इस डायग्राम को दोबारा से देखिए, ये जो ओपनिंग होती है, जब ओपन होता है स्टमक इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ये ड्यूओडेनम पार्ट। तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और इस स्फिंक्टर का नाम होता है, ये देखिए इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ जो प्रेजेंट है, और यहाँ जो प्रेजेंट था उसका नाम था गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा पार्ट आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके भी फिर फर्दर तीन पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक, पहले डायग्राम से देखिए, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ड्यूओडेनम से, फिर उसके बाद में ड्यूओडेनम के बाद जेजुनम और इलियम, उसके बाद में इलियम कंटिन्यूज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सीकम। सीकम के बाद कोलन, दिस पार्ट इज ये, यहाँ से लेके ये और ये पूरा पार्ट कहलाता है कोलन, और कोलन के बाद कौन सी रीजन आती है? रेक्टम। ठीक है, अब देखिए कोलन को अभी भी फर्दर डिवाइड किया गया है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन में। ठीक है, पहले जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, पहला पार्ट है दैट इज द सीकम, दूसरा पार्ट जो है कोलन, और थर्ड पार्ट है रेक्टम। जिसका सेकंड पार्ट है कोलन, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन में। द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सीकम पार्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है
सीकम, इस पार्ट में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सिम्बायोटिक वर्ड का मीनिंग समझिए पहले, ये बार बार आता है ये वर्ड, ट्वेल्थ में भी आएगा आपका। सिम्बायोटिक एक ऐसी रिलेशनशिप को कहते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा हो, ऐसी रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखिए हमारा जो सीकम पार्ट है उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं। अब उनको हमसे ये फ़ायदा है कि उन्हें शेल्टर मिल जाता है, और हमें उनसे क्या फ़ायदा है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमारी और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक है। फिर उसके बाद देखिए इसी डायग्राम में यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द अपेंडिक्स और द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेज फ्रॉम द सीकम। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इस ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल रहा होगा लेकिन हमारी बॉडी में उसका कोई फंक्शनल रोल नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसको एक डायग्राम और है, ये देखिए अपेंडिक्स का ये एक्चुअल डायग्राम है, दिस इज हाउ द अपेंडिक्स लुक्स लाइक। फिर देखिए सीकम जो है वो ओपन होता है कोलन में, कोलन के तीन पार्ट्स ये हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और एक इसका जो लास्ट वाला पार्ट है इस तरह से, ये इस तरह से जो ये कर्व फॉर्म कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मॉइड कोलन। तो बेसिकली इसके चार पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन। आगे देखते हैं हम, डिसेंडिंग पार्ट जो होता है वो ओपन होता है रेक्टम में, और रेक्टम देन फाइनली इट ओपन्स इनटू द एनस। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस फोर लेयर्स नेमली। अब देखिए हमने पूरा जो एलिमेंट्री कनाल है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको तो हमने देख ही लिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एलिमेंट्री कनाल को कहीं से भी कट करके देखें तो उसके अंदर हमें फोर लेयर्स दिखाई देती हैं। कौन कौन सी फोर लेयर्स हैं? सेरोसा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, सेरोसा के बाद मस्क्यूलारिस, मस्क्यूलारिस के बाद सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द, ये देखिए सबसे अंदर वाली लेयर जो है दिस इज म्यूकोसा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, सेरोसा, दिस लेयर इज सेरोसा, दिस इज मस्क्यूलारिस जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। ये वाली जो लेयर है दिस इज सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूकोसा। अब ये ल्यूमन क्या होता है? ये जो इसका इनर स्पेस है, इनर हॉलो स्पेस जो होता है किसी भी ट्यूब का, उसको हम उसका ल्यूमन कहते हैं। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। किस चीज की बनी हुई होती है सेरोसा लेयर? मीजोथीलियम की, थिन मीजोथीलियम की बनी हुई होती है, और उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। मस्क्यूलारिस लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है और दो लेयर्स में प्रेजेंट होती है, मतलब सर्कुलर लेयर भी होती है मसल्स की और लॉन्गिट्यूडनल लेयर भी प्रेजेंट होती है मसल्स की। एंड ओब्लीक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट एंड सम रीजन्स, कुछ कुछ रीजन्स में ओब्लीक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये एक पाइप है इस तरह से, ये हमारी एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है, तो कुछ मसल्स इसमें इस तरह से प्रेजेंट होंगी जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। कुछ मसल्स, सपोज इसका मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया एलिमेंट्री कनाल का, तो कुछ मसल्स जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं जो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। तो देखा जाए तो मस्क्यूलारिस जो लेयर है उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स क्या कर रही होंगी? ये मसल्स जो हैं एलिमेंट्री कनाल की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जिससे कि फूड पास ऑन हो सके एलिमेंट्री कनाल के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं द सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और उसके अंदर नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इन ड्यूओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। जो ड्यूओडेनम पार्ट है, जो ड्यूओडेनम कौन सा पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट था, उस पार्ट में जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं सबसे इनर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर जो है वो दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इररेगुलर फोल्ड्स। आपने डायग्राम में भी देखा कि उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, ये देखिए ये आपको फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, और इन फोल्ड्स का फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया को इनक्रीज करना।
This layer forms irregular folds in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. स्टमक के अंदर जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो फोल्ड्स हैं, इनको हम कहते हैं र्यूगे. और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं, इनको हम कहते हैं विलाय. दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है. सबसे इनर लेयर जो होती है एलिमेंट्री कनाल की, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, उसमें फोल्डिंग्स होती हैं. उन फोल्डिंग्स को हम र्यूगे कहते हैं स्टमक में, और विलाय कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपियरेंस. अब देखो, ये जो विलाय जो होती हैं, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें फिर से फर्दर माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत बारीक बारीक फिर से इसमें प्रोजेक्शंस होती हैं, और इन प्रोजेक्शंस से ये एक ब्रश बॉर्डर जैसी अपियरेंस नज़र आती है. ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाय. द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड एज द माइक्रोविलाय. दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सर्फेस एरिया. ठीक है, सर्फेस एरिया इंक्रीज हो सके, इसलिए यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है. और सर्फेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड का अब्सॉर्प्शन हो सके. विलाय आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टील. अब देखिए, जो आपको मैंने बताया है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और उसमें एक लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है. उस लिम्फ वेसल, ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, और उस लिम्फ वेसल को हम कहते हैं लैक्टील. ओके, सो विलाय आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टील. म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन. अब म्यूकोसा की जो एपिथीलियल लेयर होती है, उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है. और कौन प्रोड्यूस करता है म्यूकस? गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं म्यूकोसा के अंदर, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करती है. किस चीज़ का लुब्रिकेशन? जब फूड पास ऑन हो रहा है एलिमेंट्री कनाल में, तो फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ताकि वो स्मूथली आगे पास ऑन हो सके. तो ये लुब्रिकेशन का काम कौन करता है? म्यूकस, जो कि गॉबलेट सेल्स से सिक्रीट होता है. ठीक है, अब देखिए आगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन. ये क्या होती है देखते हैं. म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाय इन द इंटेस्टाइन, विच इज़ कॉल्ड एज द क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन. जो म्यूकोसा लेयर होती है, वो कुछ उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये विलाय के बीच में क्रिप्ट्स बनाते हैं. ये देखिए, जो ये विलाय है, विलाय के बीच में ये पतली सी क्रिप्ट है. क्रिप्ट मतलब पतली सी, बहुत एक नैरो केनाल जैसे स्ट्रक्चर. तो ये क्रिप्ट्स बनाती हैं, म्यूकोसा लेयर में क्रिप्ट्स होते हैं विलाय के बीच में, और इनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन. म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक. स्टमक के अंदर ग्लैंड्स भी बनाती हैं कभी कभी, म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं. और विलाय के बीच में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन कहते हैं. ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और ये जो चारों लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के, अलग अलग पार्ट्स में मॉडिफाइड होती हैं. मतलब अलग अलग पार्ट जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो अलग अलग मॉडिफाई होकर अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो आपने ये डायग्राम आपने देख लिया, इसमें आपने विलाय, लैक्टील देख लिया, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स है, और ये यहाँ पे आपने ये क्रिप्ट्स देखे. इसका एक डायग्राम ये रहा, जहाँ एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन की स्लाइड है ये. इसमें आप देखिए, ये विलाय हैं, दीज आर द विलाय, और विलाय के बीच में ये क्रिप्ट्स प्रेजेंट है, दीज आर द क्रिप्ट्स. ओके, क्रिप्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? क्रिप्ट का मतलब होता है ब्लाइंड ट्यूब. सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो. और नेक्स्ट जब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे, एंड विल कम्प्लीट द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.